नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सुपर फास्ट खबरों के साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भोपाल के पुराने शहर के एक प्रसिद्ध होटल में ग्राहक उस समय हैरान हो गए जब एक व्यक्ति के खाने की थाली में कॉकरोच दिखाई दिया है। घटना के बाद ग्राहक हंगामा करने लगे और रसोई घर तक पहुंच गए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ग्राहकों ने इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग से की है। ये मामला भोपाल के घोड़ा नक्कास में स्थित एक होटल का बताया जा रहा है। आप भी देख सकते हैं इस थाली में कैसे कॉकरोच जो है वो नजर आ रहा है। बहुत बड़ा सवाल कि सेहत के साथ किस तरीके से जो होटल वाले हैं वो खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। जो ग्राहक है वो यहाँ पर पहुंचता है खाना खाने के लिए, लेकिन अगर इस तरह खाने में कॉकरोच निकल जाए तो फिर ऐसे में स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नामी होटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है और ये वीडियो आप देख सकते हैं। कॉकरोच जो है दिखाई दे रहा है खाने में, मरा हुआ कॉकरोच। और इस बीच कई सवाल जो है होटल रेस्टोरेंट पर खड़े हो रहे हैं। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या मामला है, कहां का है और अब इस पर क्या कोई एक्शन लिया गया? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल का एक बहुत ही नामी होटल है जो अपनी थाली के लिए खास तौर पर जाना जाता है। लोग वहां पर थाली खाने के लिए जाते हैं और भोपाल के घोड़ा नक्कास इलाके में ये जो होटल है वो मौजूद है। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खाने में कॉकरोच निकला है, जो सैलेड परसा गया था वहां पर, जो ग्राहक पहुंचे हुए थे खाना खाने उस सैलेड में ये कॉकरोच निकला। और जब होटल प्रबंधन से इस बात की शिकायत ग्राहक के द्वारा की गई तो पहले तो उन्होंने टाल मटोली करने की कोशिश की और उसके बाद सिर्फ माफी मांगकर काम चलाने की कोशिश की। लेकिन ये पूरा मामला जो है जब प्रशासन तक पहुंचा, खाद्य विभाग तक पहुंचा, तो उसके बाद ये कहा गया कि बुधवार को यानी कि आज होटल में जो खाद्य विभाग की टीम है वो पहुंचेगी और वहां पर किचन और जो उनका स्टोर रूम है उसकी जांच की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वाकई वहां पर लापरवाही बरती जा रही है, गंदगी से वहां पर क्या खाना बनाया जाता है, परोसा जाता है और क्या कॉकरोच और अन्य कीड़े भी वहां पर मौजूद है। हालांकि ये पूरा मामला संज्ञान में आया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में सुनिश्चित करता है ताकि इस तरह से ग्राहकों की और जो उपभोक्ता है उनकी सेहत के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वास्तु। बैतूल की बात करेंगे। महाराष्ट्र बॉर्डर पर रेव पार्टी में छापेमारी की गई है। रिजॉर्ट में दरअसल ये रेव पार्टी चल रही थी और रिजॉर्ट मालिक समेत कुल 45 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मौके से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। पार्टी में ड्रग्स लेने के कई सबूत जो है ढूंढने के लिए पहुंची थी टीम, लेकिन इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। गौनापुर चौकी के पास रिजॉर्ट में पार्टी हो रही थी, SP ने इसकी जानकारी दी और रिजॉर्ट में बिना लाइसेंस के ही बार चल रहा था। 11 बार डांसर्स को भी बुलाया गया था। पकड़े गए सभी लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 3 थानों की पुलिस ने मिलकर छापेमारी की है। खबर प्राप्त हुई थी कि एक जो हमारा महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है मुंडई थाना क्षेत्र का, वहाँ पर एक जगह पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर कुछ अवैध शराब के सेवन में और अन्य गतिविधियों में लिप्त थे। तो स्टाफ ने जाकर जब वहाँ पर चेक किया उस प्रकार की गतिविधि पाई गई है और वहाँ पर अवैध शराब भी पाई गई और लगभग 45 लोगों के विरुद्ध वहाँ पर कार्रवाई की गई है। रिशु नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रिशु, जिस तरीके से यहाँ पर बिना लाइसेंस के कुछ चीजें चल रही थी अब उस पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन कहाँ के ये लोग रहने वाले थे और यहाँ आकर पार्टी करते हुए नजर आए, कुछ क्या जानकारी मिली इस मामले में? रिशु, क्या आप तक आवाज आ रही है? तो रिशु से संपर्क नहीं हो पा रहा है और ये बड़ी छापेमारी की गई है, 45 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। और अब एक नजर सुपरफास्ट